नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी का मूड क्या है और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरा ये सफर जा पहुंचा है यूपी उत्तराखंड के बॉर्डर नजीबाबाद विधानसभा सीट पर। जानने के लिए क्या है यहां के असल मुद्दे, समझने के लिए 2017 में किए गए वादे कितने हुए पूरे और कितने रह गए अधूरे, यानी 2022 के लिए 2021 में कैसी चल रही है सियासी हवा। तो आइए चलिए मेरे साथ इस विधानसभा के सफर पर और जानिए क्या है यूपी का मूड। क्या लग रहा है इस बार यूपी का मूड चुनाव को लेकर? सरकार अच्छी है, अच्छा काम कर रही है, गरीबों की बहुत मदद कर रही है और कोरोना में किसी महामारी से बहुत मदद मिली है और महिलाएं सुरक्षित हैं और चोरी चकारी जितनी होती थी वो भी बहुत बंद है। सब कुछ अच्छा ही किया है हमारे लिए, तो सभी अच्छा है। हाँ, गरीबी जैसे गरीबी रेखा आई थी लॉकडाउन में, सब अच्छा पैसे वैसे दिए हैं, राशन भी दिया है। इनमें एक तो गरीबों की बहुत सहायता है और जैसे लॉकडाउन भी हुआ है गरीबों को सहायता मिली है और खाने को भी राशन दिया है, महिलाओं को पैसे भी दिए हैं। साहब वोट इसी देंगे मुख्यमंत्री को। हाँ क्यों बाबा? क्यों, सरकार बढ़िया है इसकी। क्या काम अच्छे लगे इसके? ये हिंदुओं के लिए हक महा, बस काम अच्छे लगा क्या ना लगा, हिंदुओं के हक महा सरकार और हिंदू जागा कहाँ भाई। रोड सड़कें पानी सब बढ़िया बना रहे हैं तो सरकार तो इसी की आनी द्वारा भी देखो। हमें तो मोती अच्छे लगे। अच्छे लगे? बहुत अच्छे लगे, सबसे अच्छे मोती लगे। योगी जी? योगी जी भी अच्छे लगे। अच्छे लगे? अच्छे लगे। क्या अच्छा लगा इनका? सारा ही काम अच्छा लगा, सबसे अच्छी बढ़िया सुविधा है भाजपा के लिए। भाजपा को देंगे, खाने को नाज भी दे रही है, पैसे भी दे रही है, 2000 रुपए आए तक कितने दिए ही ना। समझ जीने का अधिकार दिखा दिया इन्होंने, सिर झुका के चल रहे थे हम तो आज तक, अब सिर उठा के चलते रहे हैं अगर भाजपा की सरकार आई तो। हम तो साहब का हम मोदी भी अच्छा लगा, जो आ जाए वही अच्छा लगा, बस हमारी तो बात ही है जो भी आ गया वो ठीक ही है। और ये जो योगी जी हैं? योगी जी भी ठीक है। अखिलेश ने करा था काम तो, ये सरकार तो कुछ भी ना, हमारा राशन कार्ड भी नहीं बढ़ने, हमारा कुछ नहीं बढ़ने, हम परेशान हो रहा है। गरीबों को अनाज मिल गया, सब कुछ मिल गया। आनी चाहिए सरकार या नहीं आनी चाहिए भाई? ये तो देखो किस्मत की बात है जी, हमारे लिए तो कुछ भी काम नहीं करा। अखिलेश जी ठीक है, जो मैं कुछ तो मिल लेना, पहले राशन भी खत्म कर दिया जो पहले थे हमारे पास राशन, वो भी खत्म। एक तो गुंडागर्दी कम है इसमें, जैसे जो वैसे उसमें होता था समाजवादी पार्टी में या वैसे उसमें, तो कोई भी जैसे किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या वैसे उसमें तो थाने वगैरह पे वैसे होता, अब कोई नहीं जाता। गांव को लेकर के क्या लगेगा इसमें, सब लोग रोजगार से परेशान है, रोजगार के लिए कुछ बदलाव हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए लोग बागों का नज़रिया तो कुछ चेंज है लेकिन नहीं बदलेगा, सरकार नहीं बदल पाएगी, नहीं बदल पाएगी। योगी जी, योगी जी पक्का है, योगी जी आवेंगे। क्यों लग रहा है? ये तो उन्होंने बहुत काम करा, विकास करा उन्होंने, इसलिए योगी जी आवेंगे। आप बीजेपी के नहीं आने की? अब नहीं आने की ना। अच्छा, क्या मुद्दे हैं, क्यों नहीं आने की? अरे बीजेपी ने क्या करा वादा बताओ, सबके खातों में पैसे डालने की वादा करा, गरीब आदमी आम जनता परेशान है इस टाइम, रोटी रोटी से परेशान, मजदूर क्या करेगा, इस बार दोबारा वोट देगा तो अपने मट्टे बली थी करनी। विकास बहुत है, गुंडा राज खत्म है, गुंडे सारे जेल में है, लंगड़ा ऑपरेशन चला रखा है पुलिस ने, और क्या चाहिए। योगी की सरकार तो बेकार है, सुन लो मेरी बात, रोटी तक की नहीं मिल रही मुझे, खाने को भूख लग रही, अब भी भूखा बैठा मैं, बच्चे तक के भूखे बैठे हैं मेरे, बच्चे तक के भूखे। और अखिलेश कैसा था? अखिलेश बढ़िया है। हाँ आएगा अखिलेश।